हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ द सेवन पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 8 डेसिमल ऑफ स्टैंडर्ड 6. इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 8.2. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द टेबल विद द हेल्प ऑफ दिस बॉक्स एंड यूज द डेसिमल टू राइट द नंबर. कि यहाँ पे हमें एक टेबल दिया है, बॉक्स को बॉक्स की हेल्प से उसे कंप्लीट करना है और हमें उसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है. सो यू कैन सी there are total 100 boxes, okay, यहाँ पे total 100 box दिए हुए हैं, okay, and 26 are shaded, उसमें से 26 shaded है, so we are right, 26 small parts out of 100 are shaded. So 26 small part out of 100 part are shaded. So the decimal 0.26 is represented. Okay. So यहाँ पे decimal क्या होगा? 0.26. How? सी 26 बाय 100, टोटल 100 बॉक्सेज है उसमें से 26 शेडेड है. सो इसका डेसिमल लिखना हो तो 0.26. अंडरस्टूड? ये 2/10 प्लेस पे 100, 600 प्लेस पे, सो 0.26. ओके, सो अब यहाँ पे 1 प्लेस कितनी है? 0, 2 प्लेस है 10 और 6 है 10th प्लेस. सो मैं यहाँ पे 1 में 0 लिखूँगा. ओके, 10th प्लेस कितनी है? सो 10th प्लेस है 2 एंड 100th प्लेस कितनी है? 6. सो नंबर क्या बनेगा? 0.26. नाउ नेक्स्ट सी, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए एक बॉक्स है जिसमें 100 बॉक्स शेडेड है और सेकंड में 100 में से टोटल कितने शेडेड है? सो सेकंड में टोटल 38 शेडेड है. सो इसके लिए हम लिखेंगे 100 parts shaded plus 38 parts are shaded. Okay, so 100 parts shaded out of 100 part plus 38 parts shaded out of 100 part. Okay, so 100 upon 100 1 plus 38 upon 100 0.38. So answer is 1.38. Okay. सो अब इसको डेसिमल टेबल में हम लिखेंगे तो 1th प्लेस कितनी आई हमारी? 1, 10th प्लेस 3 एंड 100th प्लेस 8. सो 10th प्लेस 3, 100th प्लेस 8. सो आवर डेसिमल नंबर इज 1.38. ओके, सी यू विल ट्राई एट होम. नाउ सेकंड क्वेश्चन, राइट द नंबर गिवन इन अ फॉलोइंग प्लेस वैल्यू टेबल इन डेसिमल फॉर्म. कि यहाँ पे हमें एक डेसिमल टेबल दिया हुआ है जिसे हमें डेसिमल नंबर में लिखना है. ओके, सो सी हाउ टू राइट डायरेक्टली. 3 1 प्लेस, 2 10th प्लेस, 5 100th प्लेस और 0 1000th प्लेस. सो डेसिमल नंबर इज 3.250. ओके, नाउ सी 100 प्लेस गिवन 1, 10th प्लेस 0, 1 प्लेस 2, देन डेसिमल पॉइंट, देन 10th प्लेस 6, 100 प्लेस 3 एंड 1000 प्लेस 0. सो डेसिमल नंबर इज 102.630. ओके, नाउ हियर 100 प्लेस इज 0, सो नो नीड टू राइट. 10 प्लेस इज 3, सो 3, 1 प्लेस इज 0, देन डेसिमल पॉइंट, 10th प्लेस इज 0, 100 प्लेस इज 2 एंड 1000 प्लेस इज 5. सो 13.025. डी एंड ई यू विल ट्राई एट होम. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द डेसिमल, राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन अ प्लेस वैल्यू टेबल. ओके, दिस वैल्यू वी हैव टू राइट इन अ प्लेस वैल्यू टेबल. सो हाउ टू राइट? सी, so here sum we will see and sum you have to do at home. Okay, from all question, सारे question में से कुछ मैं करवाऊंगा, बाकी तुम्हें कुछ घर पे
अपने आप से ट्राई करने हैं. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री में है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन अ प्लेस वैल्यू टेबल. के यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, उसे हमें प्लेस वैल्यू टेबल में लिखना है. सो 2.08. ओके, सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू टेबल ड्रॉ करते हैं. सो टेंस, वंस, टेंथ, हंड्रेड, ओके, एंड थाउजेंड्स. यहाँ पे भी एक हंड्रेड लिख देते हैं, हंड्रेड्स. सो यहाँ पे मैंने एक टेबल ड्रॉ कर दिया है. नाउ आई हैव टू राइट 2.08 इन अ प्लेस वैल्यू से टेबल. सो 2 इज अ वन प्लेस. सो यहाँ पे मैं बी वाला कर रहा हूँ. ओके, सो 2 इन अ वन प्लेस, 0 ऑन टेंथ प्लेस, सो 0, एंड 8 इन अ हंड्रेड प्लेस, सो 8. ओके, सो इट इज मेंशन. नाउ लास्ट वन ई वाला करता हूँ. द नंबर इज 200.812. नाउ यू कैन सी 1 इज 0, टेंथ इज 0, हंड्रेड इज 2, देन डेसिमल पॉइंट 8 इज ऑन टेंथ. सो 8, 1, हंड्रेड, 2 इज इन थाउजेंड. सो हियर वैल्यू इन अ प्लेस वैल्यू टेबल वी मैंसन. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल. कि यहाँ पे हमें वैल्यू दी हुई है, उसे हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सो हाउ टू कन्वर्ट, लेट्स सी. क्वेश्चन नंबर 4, ओके, द वैल्यू इज 20 + 9 + 4/10 + 1/100. 20 + 9 वी कैन ऐड डायरेक्टली, 29, 4/10 इफ वी कन्वर्ट इन टू डेसिमल फॉर्म देन इट इज 0.4, 1/100 इफ वी कन्वर्ट डेसिमल फॉर्म देन 0.01, 1/100 प्लस यू कैन सी 10th एंड 100. नाउ 29 + 0.4 + 0.01, सो आवर आंसर इज 29, then 4, then 0.01. Okay, so sorry, 0.4 and 29. Okay, so 1, 4 + 0, 4.92, 29.41. So 29.41 is the answer. Next, D1, 23 + 2/10 + 6/1000. Okay, so 2/10 means 0.2, 6/10. If we convert into decimal, 0.006. See, 6 on 1000 place, 10, 100 and 1000. Now we add this number, so we get 23.206. This is our answer. Okay, another you have to do at home. Now question number 5, write each of the following decimal in a word. Word mein likhna hai, directly samjha deta hu. Dekho, 1.20, 10.07, 0.032, 5.008, जो हमने एग्जाम्पल में देखे थे वही है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटवीन विच टू नंबर इन टेंथ प्लेस ऑन द नंबर लाइन डज ईच ऑफ द गिवन नंबर लाई. ओके, कि नंबर लाइन पे ये जो नंबर दिए हुए हैं वो कौन से दो नंबर के बीच में होंगे, वो हमें फाइंड करना है. तो इसको भी ओरली समझा देता हूँ, बहुत ईजी है. 0.45, ओके, सो 0.45 लाई बिटवीन 0.4 एंड 0.5. कि 0.45 है वो नंबर लाइन पे कौन से दो नंबर के बीच में होगा, तो 0.4 एंड 0.5 के बीच में. 0.66,
सो 0.66 लाई बिटवीन 0.6 एंड 0.7 के 0.66 नंबर लाइन पे कौन से दो नंबर के बीच में होगा, तो 0.6 और 0.7 के बीच में। 0.92 तो 0.92 नंबर लाइन पे कौन से दो नंबर के बीच में होगा, तो 0.9 एंड 1.0। अंडरस्टूड? नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, राइट द फ्रैक्शन इन द लोवेस्ट फॉर्म। ओके, चलो यहाँ पे क्वेश्चन है, उसको हमें लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो 0.05, सो फर्स्ट हम इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे। 5 कहाँ पे है, तो 100 प्लेस पे है, तो 5/100। अब देखो इसको ये हो गया फ्रैक्शनल फॉर्म, इसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो 5 1 5, इनके बीच में कॉमन टेबल कौन सा है, तो 5 का 5 20 5 ज़ा 100, 5 1 ज़ा 5 और 5 20 ज़ा 100, 5 5 कैंसल, सो 1/20 इज द लोवेस्ट फॉर्म। वन मोर, 0.25, सो 25 ऑन सी, 2 ऑन अ 10th प्लेस, 5 ऑन अ 100 प्लेस, सो वी राइट इन अ फ्रैक्शनल फॉर्म 25/100। चलो 25 और 100 के बीच में कॉमन टेबल कौन सा है, तो 25, सो 25 1 ज़ा 25 एंड 25 4 ज़ा 100, 25 25 कैंसल, 1/4 रिमेनिंग, सो इट इज़ द लोवेस्ट फॉर्म। अंडरस्टूड? सो अदर यू हैव टू डू एट होम। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।